स्ट्रीट बस में मैं हूं प्रतिमा साम। आइए बढ़ते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। 1971 में भारत बांग्लादेश विभाजन पर समरेश वासु द्वारा लिखी गई कहानी खुदा हाफिज को स्क्रीन प्ले के लिए रूपांतरित कर कटिहार के कलाकार और डायरेक्टर के निर्देश पर एक फिल्म बनाया गया है। स्क्रीन प्ले यानी कि फिल्म के तौर इस फिल्म का नाम राम हाफिज रखा गया है। 22 मिनट का यह लघु फिल्म अब 20 दिसंबर को लंदन फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित होगा। इसके अलावा जल्द ही यह फिल्म एक OTG प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा। बड़ी बात यह है कि विभाजन पर बनी इस फिल्म के दोनों मुख्य कलाकार के अलावा कैमरे के आगे और पीछे फिल्म से जुड़े लोग सभी लोग कटिहार से ही हैं। अब विश्व के मंच पर इस फिल्म के प्रदर्शित होने की तारीख को लेकर इस फिल्म से जुड़े कलाकार बेहद खुश हैं। कटिहार नाट्यशाला में आगे की तैयारी के दौरान इन कलाकारों ने इस फिल्म से जुड़े विषय और अन्य बिंदुओं पर भी अपनी बात रखी है। जो फिल्म है ये बांग्लादेश के विभाजन पर आधारित है, उसकी उस समय की जो पृष्ठभूमि थी विभाजन के समय उस पर ये पूरी फिल्म आधारित है। और इस फिल्म का नाम है राम हाफिज। स्वर्गीय समरेश बसु की लिखित ये कहानी है और इसमें मुख्यतः दो पात्र हैं, एक हिंदू और एक मुसलमान। इसी के इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है। कितने देर की कहानी है ये? 22 मिनट की फिल्म है, लघु फिल्म है। इसमें क्या अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में देखा है, क्या कैसे जानकारी मिला आपको? 20 तारीख को दिखाया जाएगा, क्या है एक्चुअली ये हमारे जो फिल्म के निर्देशक हैं मिस्टर रोनित रंजन, इन्होंने दर्जनों फिल्मों में फिल्म फेस्टिवल के लिए इन्होंने आवेदन किया है, तो उसमें से अभी ये पहला जो है जो हमें अपना उन्होंने आमंत्रण हमें भेजा है लंदन से, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में से दिखाया जाएगा। और एक OTT प्लेटफॉर्म पर भी इसकी स्वीकृति मिली है, जनवरी माह में वहाँ भी इसको दिखाया जाएगा। और भी कई फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म को दिखाया जाना है जिसकी सूचना अभी तक मिली नहीं हमें। इस फिल्म जिसे हम छोटा सी दिन उनमें से कोई कोई जगह पर जाने लगे, आदमी औरत कमान भी ले जाते। पहले के उनमें कितना अच्छा रहता और नहीं तो क्या, मिट्टी के नए नए घर के। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा मौका है क्योंकि कटिहार में इससे पहले ऐसी कोई फिल्म नहीं बनी जिसे कि इतनी ख्याति मिली हो। जब हम इस फिल्म को बनाने की जब हमने सोची तो एक बैकड्रॉप में एक घटनाक्रम है जो बांग्लादेश का जो विभाजन हुआ था पाकिस्तान से जो 1971 में, उसके बाद की जो घटनाक्रम हुए उस पे समरेश बासु जी ने एक छोटी सी लघु कथा लिखी थी, उसके ऊपर ये फिल्म हमने बनाने की सोची। और जब हम फिल्म बनाने की सोचा हमने तो उसी समय से हमने ये सोचा कि इस फिल्म को हम लोग फिल्म फेस्टिवल के लिए बनाएंगे और आम जनता के लिए बाद में रिलीज़ करेंगे। और वैसा ही हुआ। जो फिल्म के निर्देशक हैं रोनित रंजन, वो फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे से पढ़ाई की है उन्होंने, और उसके बाद जब डायरेक्शन करने के बाद हम लोगों ने सोचा कि फिल्म फेस्टिवल के लिए नामांकन किया जाए, तो काफ़ी सारे फिल्म फेस्टिवल हो, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, सब जगह हम लोगों ने भेजा। अभी बहुत खुशखबरी आई है लंदन से, 20 दिसंबर को इसी महीने लंदन में एक फिल्म फेस्टिवल में इसका प्रीमियर होना है और आने वाले दिनों में ये फिल्म जो है OTT प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होगी। कटिहार समेत पूरे राज्य और देश के लिए एक फख्र का विषय है, गौरव का विषय है, क्योंकि छोटा शहर है, जैसा कि आपने कहा है, बहुत छोटा शहर है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी कर्मठ हैं हर दिशा में। आप जैसे लोग हैं और आलोक जी के सानिध्य में जो हम मैं बिहार हूं की जो टीम एक कारवां चल रहा है, उन्होंने सोचा कि डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ तो हम बना ही रहे हैं कटिहार पे और अब बिहार पे, हम एक फिल्म बनाते हैं और ये कारवां अब चल रहा है। आप सबका आशीर्वाद है। कटिहार कैरेक्टर प्ले किया, आप भी कैरेक्टर प्ले किया? जी जी, ये भी एक मौका आलोक जी के द्वारा मिला क्योंकि वो तो रंगमंच से काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं और मेरे लिए पहला मौका था। तो उन्होंने कहा कि दो मुख्य पात्र हैं इस कहानी के, एक रात की कहानी है, सिर्फ शाम से लेकर सुबह तक की कहानी है और उस कहानी में दो मुख्य पात्र हैं, दूसरा मुख्य पात्र का रोल मैं खुद निभाया है। अभी तक तो लोगों ने तारीफ़ की है, जब फिल्म OTT पे आएगी आप सब देखेंगे तो शायद आप देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स आता है। फिलहाल के लिए तो बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं टीम को। स्ट्रीट बस की खबरों को लगातार देखने के लिए स्ट्रीट बस को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।